चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनके अंदर के एक्सपेरिमेंट में था बहुत परफेक्शन। एक्सपेरिमेंट के अंदर थी एक सक्सेस की, जो था एक प्लांट कौन सा, गार्डन थी। जॉन ग्रेगर मेंडल था जेनेटिक्स का बॉस, उन्होंने दिए थे दो क्रॉस, एक था मोनो हाइब्रिड एंड दूसरा था डायहाइब्रिड, दोनों के ऊपर डिपेंडेड 3 लॉ। मोनो हाइब्रिड के ऊपर है डिपेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। डायहाइब्रिड के ऊपर है डिपेंड ओनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स जिनके अंदर डिफरेंस हो एक कैरेक्टर का। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स जिनके अंदर डिफरेंस हो दो कैरेक्टर का। क्रॉस करने के बाद मिलते हैं रेशो, एक होता है फिनोटाइप, ऊपर से कैरेक्टर को देखकर प्लांट्स को बांटना। दूसरा होता है जीनोटाइप, अंदर के कैरेक्टर को देखकर प्लांट्स को बांटना। फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड इज 3:1 एंड जीनोटाइप इज 1:2:1। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड इज 9:3:1 एंड जीनोटाइप इज 1:2:4 1:2:1 क्रॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स व्हेन क्रॉस बिटवीन F1 with both parent recessive as well as dominant is called as back cross. When cross between F1 with only recessive parents is called as test cross. ऊपर का जो हमने सुना वो था मेंडलिज्म, मतलब मेंडल का वर्क। अब जो हम देखेंगे वो है न्यू मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के अलावा बाकी साइंटिस्ट का वर्क। इंट्रैक्शन होता है दो टाइप का, इंटरजेनिक एंड इंट्राजेनिक। इंटरजेनिक इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम। इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन बिटवीन टू एलील्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। इंट्राजेनिक के एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। एंड इंटरजेनिक के एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक्स। पेरेंट्स के अंदर के कैरेक्टर्स जाते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन। साइंटिस्ट ने जब काम किया तब उनको पता चला कि क्रोमोसोम्स पेरेंट्स को कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है चिल्ड्रंस के अंदर, और दी अपनी थ्योरी जो थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स और उनके पास कैपेसिटी होती है दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जाने की, जिसको हम कहते हैं लिंकेज। और जीन्स कम्प्लीटली सारे के सारे जाते हैं क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, तो तब हम कहेंगे इट्स कम्प्लीट लिंकेज। अगर आधे ही जीन्स जाते हैं एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर, तब हम उसे कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज करते हैं उनके सेगमेंट को, तब हम उसे प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। और इसके एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया थॉमस मॉर्गन सर ने। ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम,
जिनमें से 44 ऑटोसोम्स एंड अदर आर सेक्स क्रोमोसोम। जब कोई डिसीज ट्रांसफर हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू ऑटोसोम्स, देन तब हम उसको कहते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। इसके एग्जाम्पल से विडोज पीक एंड फिनिलक्यूटिनूरिया। जब कोई डिसीज ट्रांसफर हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, तब हम उसको कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और इसके एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कैसे हम मेल और फीमेल को पहचानेंगे। जेनेटिक मटेरियल में अगर हो जाए कोई गड़बड़, तब हम उसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, जिनके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम।